तो क्या वाकई में 74 दिनों में 75 सालों का इतिहास बदलने वाला है? तारीख पर तारीख और इंसाफ का फासला कम होने वाला है? क्या वाकई में कोर्ट को लेकर कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? आखिर क्या वाकई में कुछ बड़ा होने वाला है? आखिर क्यों इसकी चर्चाएं हो रही हैं? वजह है जस्टिस यूयू ललित। जी, जस्टिस यूयू ललित देश के नए चीफ जस्टिस इंडिया। इसलिए संकेत मिल रहे हैं कि 74 दिनों में 75 साल का इतिहास वो बदल सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों का न्याय के लिए अदालत के चक्कर काटते काटते जूते घिस गए, उनके लिए यूयू ललित कोई बड़ा सुकून दे सकते हैं, क्योंकि इसका उदाहरण हम आपको देते हैं। दरअसल कुछ रोज पहले एक सुनवाई के दौरान जस्टिस ललित ने पूछा था कि जब बच्चे 7 बजे स्कूल जा सकते हैं तो कोर्ट में सुनवाई सुबह 9 बजे क्यों नहीं हो सकती। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और लंच का समय आने वाले दिनों में बदल भी सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो ज्यादा से ज्यादा केस भी निपट सकते हैं, क्योंकि देश की अदालतों में इस वक्त करीब, आप जानकर हैरत हो जाएंगे, 7 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हैं, जिनका 1% यानी कि 72,000 तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही है। करीब 30,000 जजों के पद खाली पड़े हैं। इन पदों को भरने और ऑनलाइन सुनवाई पर भी जोर हो सकता है। वैसे तो उनकी नियुक्ति को लेकर सवाल ये खड़े होने लगे कि यूयू ललित अमित शाह के समर्थक रहे हैं, और हाँ, ये इसलिए क्योंकि शराबुद्दीन केस में भी इन्होंने अमित शाह की पैरवी की थी। खैर, ये आरोप सियासी हो सकते हैं, मगर कुछ चौंकाने वाली बातें हम आपको बताते हैं। साल 1957 में जन्मे जस्टिस ललित ने साल 1983 में बतौर वकील प्रैक्टिस शुरू की थी। पहले 2 साल बॉम्बे हाई कोर्ट में रहे और फिर 6 साल तक पूर्व अटॉर्नी जनरल रहे। 2004 में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील बन गए, और इतना ही नहीं, जब सीनियर वकील बने तो इन्होंने कई चर्चित केसों में अपनी बतौर वकील पैरवी की। कहते हैं कि अयोध्या केस के वक्त एक वकील ने सवाल उठाया, सवाल ये कि आपने कल्याण सिंह सरकार की पैरवी की थी जिनके वक्त बाबरी विध्वस्त हुआ, फिर आप कैसे इस केस में निष्पक्ष फैसला दे सकते हैं? वकील ने उनसे पैनल से हटने की मांग नहीं की थी, मगर तुरंत जस्टिस ललित केस से अलग हो गए। ऐसा ही उन्होंने कई केस में किया। आइए अब उन केसों का भी जिक्र कर लेते हैं जिन्हें देखकर आप भी समझ जाएंगे कि जस्टिस यूयू ललित कानून को कितना गहराई तक समझते हैं। चाहे कल्याण सिंह का केस हो, अमित शाह का केस हो, सलमान खान का केस हो, या फिर आसाराम बापू, कैप्टन अरविंदर सिंह और जनरल वीके सिंह तक का केस यूयू ललित जी ने ही लड़ा। और हाँ, बड़ी बात ये भी जान लीजिए कि बतौर वकील ही इन सभी केसों में उन्होंने पैरवी की। जस्टिस ललित जब जज बने तो किसी भी केस में उन्होंने दखल नहीं दिया। इतना ही नहीं, जब वक्त साल 2014 का था तब उस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने, उन केसों को कभी नहीं छुआ जिन केसों में बतौर आरोपियों की उन्होंने पैरवी की। तो क्या आने वाले चीफ जस्टिस सरकार के साथ कुछ ऐसा समाधान निकाल सकते हैं जिससे कोर्ट की तारीख और इंसाफ का फासला कुछ कम हो जाए? यानी देश के नए चीफ जस्टिस अदालतों में करीब 7 करोड़ केस पेंडिंग पर जल्द सुनवाई की पैरवी कर सकते हैं, करीब 30,000 जजों के पदों को भरने को लेकर भी कोई कदम उठा सकते हैं, और हाँ, ऑनलाइन सुनवाई पर उनका जोर भी हो सकता है जिससे न्याय की आस लगाए देश की आवाम को कुछ राहत मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।